बी टवेल्व डिफिशियसी इज़ वेरी कॉमन और बी ट्वेल्व डिफिशियंसी के सिम्टम्स के अंदर फटीग इज़ द नंबर वन सिम्टम दैट मोस्ट पीपल विल कम अक्रॉस और जब ये बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी अगर तो रूल आउट हो जाती है जो कि आपको टेस्ट कराना चाहिए तो फिर इसके लिए क्या नेचुरल क्योर है और उसका क्या तरीके कार है वो आप सुन लें पहली चीज़ तो ये कि देर कुड बी देट यू आर अवॉयडिंग दूड्स दैट कंटेन बी टवेल्व बी टवेल्व मटन में और बीफ में चेडो चीज़ में फ़िश में इन तरह की चीज़ों में आता है सो अगर आपकी डाइट में ये फूड्स अवेलेबल नहीं हैं तो इनको अपनी फूड्स में अपनी डेली लिस्ट में शामिल करें बिकॉज अल लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट ओवर कंज्यूमिंग चिकन एंड रीडिंग लिविंग आउट द रेड मीट्स एंड नाउ यू नो दैट बी ट्वेल्व इज़ इन रेड मीट्स एंड फिश एंड चड चीज़ तो आपको ये खाने अपनी डाइट के अंदर एक तो लाजमी इंक्लूड करने चाहिए दी अदर मेन रीज़न वाई देयर इज्ली बी ट्वेल्व डिफिशंसी वैसे तो और बहुत सारे काजेज होते हैं ऑटो इम्यूनिटी होती है पर्निश अनीमिया होता है बट आई डोट वॉन्ट टू गैर इन टू दैट डिटेल दी अदर मेन रीजन इज के जब स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है हम उसको कहते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर तो इंट्रेंसिक फैक्टर जब कम होता है बॉडी के अंदर तो चाहे आप बी ट्वेल्व की सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हों या बी ट्वेल्व के खाने भी खा रहे हों उसकी आब्जॉर्बशन नहीं होती अब सवाल ये बनता है कि इंट्रेंसिक फैक्टर क्या है और उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है सो इसके क्या है कि आप अपनी जो डेली यूज़ में अगर तो हार्ट बर्न की मेडिकेशन या ओवर द काउंटर कोई चीज़ ले रहे हैं जिस तरह की इनो या गैवस्कॉन या राइजिक्यो इस तरह की कोई मेडिकेशन है जो आपके हार्ट बर्न के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन मेडिकेशंस को डिसकन्टिन्यू कीजिए बिकॉज ये आपके स्टमक एसिड को और सप्रेस कर रहे हैं जिससे आपका इंट्रेंसिक फैक्टर भी नीचे जा रहा है जिससे आपकी बी ट्वेल्व की एब्जॉर्बशन में प्रॉब्लम आ रही है सो so, इन चीज़ों को आप रिमूव कीजिए और उसके साथ साथ अगर हार्ट बर्न का भी मामला है तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आप अपनी डाइट में आ, क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए मिर्च मसाले वाले पेपरिका रेड चिली ग्रीन चिली थोड़ी देर के लिए इसको डिले कर देंगे कैफ़ीन की इंटेक को थोड़ी देर के लिए डिले कर देंगे और फिर उसके साथ साथ आप बी ट्वेल्व की सप्लीमेंटेशन करेंगे तो एक तरफ आपने अपनी जो डाइट है उसके अंदर बी ट्वेल्व वाले खाने डाले दूसरी तरफ आपने बी टवेल्व की सप्लीमेंटेशन शुरू की और तीसरी चीज़ जो इंट्रेंजिक फैक्टर जो स्टमक में जो कैरियर है बी ट्वेल्व का जिससे एब्जॉर्पन का ताल्लुक है उसको आपने इम्प्रूव करने के लिए अपने जो मेडिकेशंस है उनको आपने थोड़ी देर के लिए बल्कि फॉर गुड आपने अपनी डाइट में से निकाल दिया तो ये अगर आप स्टेप्स लेंगे तो यू कैन बी श्योर कि आपके बी टवेल्व के सिम्टम्स भी इम्प्रूव होंगे और आपके बी ट्वेल्व के लेवल्स भी ऊपर जाएंगे